मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 की सोशल स्टडीज में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स मीन कायनात। जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट आउट की हुई है डेफिनेशन इसकी, द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस टाइम एंड देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स स्टार गैलेक्सीज क्लाउड्स एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज यूनिवर्स है, बिकॉज के यूनिवर्स में तमाम चीजें शामिल हैं। कायनात मींस साइंस में तमाम चीजें शामिल हैं। देखिए, आप बुक सोशल स्टडीज की बुक ओपन कीजिएगा, इसमें पेज नंबर 4, पेज नंबर 1 जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको एक टेलीस्कोप की आपको एक फुटेज मिलेगी जो कि हबल की है। अब ये हबल क्या है? देखिए, हबल जो है वो एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि जमीन के मदार में भेजी गई है और ये जमीन से 600 किलोमीटर अबव है, जहाँ पर डस्ट और क्लाउड्स और नहीं है, तो इसलिए जितने भी फुटेजेस ये भेजती है तो वो इतनी ज्यादा क्लियर होती है। देखें, इसने ये क्लस्टर है यूनिवर्स की स्नेक ये भेजी हुई है, जिसमें आपको मुख्तलिफ क्लस्टर्स नजर आएंगे, गैलेक्सीज नजर आएंगी, स्टार्स की ये ट्रिलियन स्टार है जो कि इस फुटेज में मौजूद है। इस हबल ने जो फुटेजेस भेजी हैं, इससे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको कायनात को जानने में, उसकी खोज लगाने में बहुत ज्यादा आसानी हुई है और बहुत ज्यादा उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कायनात के बारे में। इस पेज में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्ट की 4th लाइन रीड करती हूँ, फिर मैं आपको ये बताती हूँ हबल के बारे में। दिस इज अ फोटोग्राफ टेकन बाय द हबल टेलीस्कोप विच इज एन स्पेस क्राफ्ट 600 किलोमीटर अबव द अर्थ। Its mural is 240 cm in diameter and because it is far above the dusty cloudy atmosphere of the Earth, it can see much more clear into our space. ये बहुत ज़्यादा powerful है और बहुत ज़्यादा clear ये इसके जो cameras हैं वो काम करते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है ज़मीन की atmosphere से, तो वहाँ clouds और dust और नहीं है, तो वो साफ़ सुथरा वहाँ का माहौल है, इसलिए इसकी footage बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी आती हैं। ये 1990 में भेजी गई थी स्पेस में, जमीन के मदार में भेजी गई थी, यूएसए ने भेजी है ये हबल। अच्छा, आप देखें इसकी जो फुटेजेस हैं उसकी मदद से बहुत ज्यादा, जैसे पहले तो ये था कि कायनात के बारे में जानना या स्पेस में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब एस्ट्रोनॉम्स हैं वो स्पेस में भी जा रहे हैं और कायनात के बारे में खोज लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जब आप नेक्स्ट लाइंस पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक लाइट ईयर का टर्म मिलेगा। लाइट ईयर, ये लाइट ईयर के टर्म क्या है? स्पेस में जितने भी स्टार्स हैं, ट्रिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं यूनिवर्स में हमारी, उन सब का फासला इतना ज्यादा है, यहाँ तक कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें भी आपस में इतना ज्यादा फासला है। चले, वो फासला तो फिर भी डिस्टेंस जो है वो हम कवर कर सकते हैं, जिस तरह जमीन के हम डिस्टेंसेज जो मेजरिंग करते हैं उसकी, लेकिन जो स्टार्स हैं उनमें आपस में इतना ज्यादा फासला है कि जो आम बॉडी में जो हम जमीन में किलोमीटर और मीटर डिस्टेंस जिस तरह कवर करते हैं वो हम कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो लाइट ईयर का टर्म यूज करते हैं, मींस कि जो लाइट जो है वो एक मिनट में, उसके बाद एक 1 आवर में और उसके बाद फिर 1 ईयर में जितना ट्रेवल करती है उस हिसाब से फिर वो इस डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। अब लाइट ईयर देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट किया है कि लाइट जो है वो एक मिनट पर सेकेंड कितना फासला तय करती है। लाइट ट्रेवल्स 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ये कितना फासला तय करती है लाइट पर सेकंड में। यहाँ मैं आपको ये लाइट ईयर की टर्म इसमें मैं पढ़कर बताती हूँ। डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफ्टन यूज्ड दैट वी कैन नॉट मेजर देम इन किलोमीटर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज लाइट ईयर्स दैट इज द डिस्टेंस लाइट वुड ट्रेवल इन अ पेयर। लाइट ईयर की जो टर्म है मैंने आपको इसमें पढ़कर सुनाया कि ये लाइट ईयर क्या है और क्यों ये लाइट ईयर की टर्म यूज की जाती है, इसलिए कि डिस्टेंसेस जो है वो मीटर किलोमीटर जिस तरह हम जमीन में मेजरिंग करते हैं वो स्टार्स की मेजरिंग हम इस तरह नहीं कर सकते, तो इसलिए पूरे साल लाइट ईयर की टर्म यूज की जाती है। और लाइट जो है वो पर सेकेंड में 299,792,458 मीटर का फासला तय करती है पर सेकंड में, मींस के तकरीबन 300 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड में मीटर का फासला तय करती है। तो दिस इज पे ओवर 1 बिलियन किलोमीटर एन आर, क्योंकि वो एक घंटे में 1 बिलियन से भी ज्यादा का फासला तय करती है, विच मींस 9.5 बिलियन किलोमीटर इन अ ईयर। तो एक साल में वो कितना फासला तय करती है?
राइट 9.5 प्रीमियम। ठीक है, तो देखिए ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हम उसको उसकी मेजरिंग जमीन के मीटर किलोमीटर से नहीं कर सकते, इसलिए लाइट रेट की टर्म यूज की जाती है। जब इस लास्ट में आप आइएगा, ये जब हबल के फोटोग्राफ करी है उसके नीचे जब आप देखेगा, तो देखें पहले इस कायनात में जाना, कायनात में दाखिल होना या स्पेस में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में अभी भी मौजूद है। और यूएस का एक मिशन अपोलो 11 वो चांद पर भी जा चुका है। नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन थे जो कि चांद पर गए थे। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, पेज नंबर 2 सोशल स्टडीज की बुक में आप पेज नंबर 2 देखेगा, तो देखिए अब यहाँ कुछ नाम और यूज की जाती है हमारी कायनात में, यूनिवर्स में, जैसे कि मिल्की वे। शायद आपने मिल्की वे, गैलेक्सी और क्लस्टर ये वाले टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो देखें हमारी इस कायनात में बिलियंस स्टार्स से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, राइट। अब वो जो सारे स्टार्स हैं ना, वो एक ह्यूज क्लस्टर बनाते हैं। वो क्लस्टर जो है उसमें जो मुख्तलिफ क्लस्टर में जो गैलेक्सीज होती हैं, उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, राइट। अब जी मिल्की वे ये हमारी गैलेक्सी है, मतलब कि इसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम शामिल है। क्या नाम है उसका? मिल्की वे, राइट। देखिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, इसमें जब पेज नंबर 2 आप ओपन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट लाइन जो है यहीं से मैं स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर इन ह्यूज क्लस्टर कॉल्ड गैलेक्सीज। आवर सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे, राइट। यही मैंने पॉइंट आपको बहुत से समझाया है कि जो ये ह्यूज क्लस्टर्स हैं वो गैलेक्सीज बनाते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो जिस गैलेक्सी में है वो मिल्की वे है। As you can see from the photograph, galaxies are in gigantic spirals. अभी जो galaxies हैं ना, ये बहुत बड़े-बड़े सूचे round shape उनके हैं, यानी वो आपस में जो उनके झुलमन है ना, cluster हैं, वो आपस में उलझे हुए और बिल्कुल round shape में हैं। तो ये जो Milky Way है, वो आपको पता है कितना बड़ा है? वो 100,000 light years across है universe में। नेक्स्ट देखिएगा अबाउट, मतलब कि अब उसकी जो वो जब लाइट ईयर के बाद उसमें उन्होंने की है जमीन के किलोमीटर्स में, तो वो कितना बनता है? 9,500 trillion किलोमीटर्स। ये देखिए उन्होंने कितने इसमें जीरो भी लगाए हैं, आप तो देखेंगे तो आपको परेशानी होगी कि ये हमारी कायनात जो है वो कितनी डिजिटल है, कितनी ऊंची हुई और कितनी गहरी है। इसके बाद देखिए एक और टर्म आपको मिलेगी, नेबुला। अब ये नेबुला क्या है? यहाँ से कहूँ नेबुला से स्टार्ट। आपने एक और टर्म सुनी होगी नेबुला। अब ये नेबुला क्या है? देखें जितने भी स्टार्स हैं उनके दरमियान डस्ट के और गैसेस के, जितने हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं स्टार्स के बीच में, तो उसके लिए नेबुला की टर्म यूज की जाती है। ये मैंने यहाँ बोर्ड पर भी मेंशन की हुई है। नेबुला आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस फाउंड बिटवीन द स्टार्स। मैं बुक में से भी आपको यही पढ़कर बता देती हूँ। नेबुला सिंगुलर नेबुला आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस फाउंड बिटवीन द स्टार्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको ये सिर्फ अभी ये खबर और इसके अलावा फिर ये स्टार्स और ये गैलेक्सी इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें कुछ पॉइंट समझाई हैं। इसी के बारे में आपको टास्क दिया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।